जब फिल्म होती है दुनिया में थोड़ा बड़ा खाड़ा होगा तो विपिन आगे सारा एक जगह करवाना हो तो ये इसके अंदर हो जाएगा। नानी जी जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, फिर घर आए और फिर हम निकल पड़े हैं एक और नए सफर के लिए। हम जा रहे हैं अपनी गुड़िया रानी से मिलने के लिए, शानू से मिलने के लिए और बाकी फैमिली मेंबर से उनके मिलने के लिए, पर सबसे ज्यादा तो हम स्पेशल छोटे से क्यूट से बेबी से मिलने जा रहे हैं क्योंकि उसी ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। तो अभी जो है खुशी है, खुशी को तो जाना ही था, क्यों भाई? खुशी को तो जाना था, मासी बनी है भाई खुशी और हम नाना नानी बने हैं। और अभी हमने एक आधी चीज और लेनी है, बाकी जो मैं लेकर आई थी उसमें से मैंने उसके लिए गिफ्ट रख दिया है। मतलब एक जोड़ा है, एक वैसा है बच्चे को कंबल सा रैप कर लेते हैं उसमें वो, और अभी एक जोड़ा विपिन बोल रहे थे कि रस्ते में से ले लेंगे और मिठाई ले लेंगे, फ्रूट्स वगैरह हो जाएंगे और चलते हैं। बाकी जो है जो होता है जैसे देते हैं वो बाद में देंगे, अभी तो सिर्फ हम मिलने जा रहे हैं। अभी तो उनके यहाँ हवन वगैरह होगा और जो पूजा पाठ होती है अपने घर के हिसाब से वो सब होगा, फिर उसके बाद देखेंगे, हम उसके बाद जाएंगे दोबारा से। खुशी नहीं जाएगी उस टाइम में क्योंकि मतलब अगर दिसंबर में, वो दिसंबर में जाएंगे ही नहीं हम क्योंकि इसके एग्जाम है, दिसंबर में इसके एग्जाम शुरू होंगे तो फिर हम जाएंगे जनवरी में। और फटाफट से जो है इसने मेरे बाल स्ट्रेट किए, सर नहीं धोया मैंने, मैंने कहा फिर मेरा सफर में गंदा होगा तो इस वजह से। सर गंदा हो भी नहीं रहा था, सर गंदा ज्यादा तब होता है जब गर्मियां पड़ती हैं, पसीने आते हैं और शीशा नीचे कर लो तो वो धूल मिट्टी घुसती है, तो शीशा तो नीचे किया ही नहीं मैंने, पहले ही जो है मम्मी ने मुझे दवाई दे दी थी, वो दवाई खा ली मैंने तो शायद मुझे वैसे वाली प्रॉब्लम ना हो। पर मैं सर के दर्द की गोली 2 दिन लगातार खा रही हूँ और मुझे लगता है मुझे अभी भी खानी पड़ेगी सर के दर्द की गोली, खा लूँ एक है ना, क्योंकि मुझे सर में दर्द हो रहा है आपके, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार इनको भी और मुझे भी। तो चलो चलते हैं, आपको भी छोटी गुड़िया से मिलवाएंगे। ये ले ले, ये खाते हो घर हम पहुंच चुके हैं पौंटा। पौंटा तो हमारे घर से पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। पौंटा में खड़े हुए हैं और अभी हमने जो है जोड़ा लिया, जोड़ा बल्कि एक लेना था हमने उसके 3-3 ले लिए, तो 2 तो अभी ऐड कर दिए क्योंकि माइंड में ये भी हो रहा था कि वो 3 हो जाएंगे उसको लगा के, वो जो कंबल सा है, कंबल तो नहीं है वो, थोड़ा अलग पैक कर रहा है। हाँ, तो वो मैंने कहा फिर वो और 2 जोड़े 3 हो रहा है, मैंने कहा चलिए 4 हो जाएगा, तो एक तो कॉटन का लिया, एक वैसा लिया, तो ये पैक करे हुए रखे हुए हैं, अब खोल के क्या दिखाना। और एक और लिया है बहुत सुंदर सा, वो पीछे रख दिया क्योंकि हम एक घर 2 चीज़ें हम घर से भी लेकर आए थे, फिर एक यहाँ से ले लिया था, मतलब एक क्या फिर उसके साथ जैसे बताया 4 वो करने थे, मेरे को माइंड में बार बार हो रहा था 3 3 3 3 3 ये। और विपिन अभी गए हैं चॉकलेट लेने के लिए क्योंकि 2 छोटी छोटी गुड़िया हैं, शानू की जेठानी की लड़की वो, और शानू को भी चॉकलेट पसंद है तो मैंने कहा एक चॉकलेट शानू के लिए भी ले आना, तो बस चॉकलेट लेने गए हैं वो। यहाँ पीछे गए थे, अभी तक नहीं आई, कहाँ चले गए, फ़ोन करना पड़ेगा। और मैंने ना यही वाला स्वेटर पहन लिया अपना, स्वेटर के लिए मम्मी भी बोल रही थी सुबह दूसरा ले, कल मैंने देखे थे दिल्ली में काफ़ी, मुझे समझ नहीं आ रहे थे इसी ऊन में थे, मैं थोड़ा अलग सा चाह रही थी, ले लेंगे स्वेटर अभी। और खाओगे क्या? खाएगी खुशी, आगे निकाल लेना। हम लोग पहुंच चुके हैं उनके घर पे, मतलब घर के पास पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा कुछ कदम पैदल चलना पड़ेगा गाड़ी खड़ा करके, मतलब इधर की साइड गाड़ी खड़ी करती है और घूम करके उनका घर पड़ता है। और मैं अपने बाल देख रही थी, अच्छे लग रहे हैं एडिटिंग करते हुए, बाल देख रही थी पीछे से, तो यहाँ पे जो हम पहुँच गए हैं, शानू की दोनों चाचियाँ बुआ आई हुई हैं, वो हमसे लगभग 2-3 घंटे पहले आ गए थे और हम अब पहुँचे हैं। थोड़ा हमारा आधा घंटा रास्ते में ख़राब हुआ कि हम रास्ता भटक गए थे,
मतलब दूसरी साइड पहले ही मुड़ गए थे, थोड़ा और आगे जाना था। तो अभी मैं यहाँ पे गुड़िया को खिला रही थी। वैसे तो अभी क्या खिलाना, अभी तो वो कुछ बोलती ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसे होता ना, हंगूरे देता है बच्चे 3-4 महीने का, फिर उसको खिलाने में बड़ा मज़ा आता है। हम कुछ बोलें बच्चा रिएक्ट करता है, हंसता है, रोता है, हंगूरे देता है, तो उस बच्चे को खिलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो वो ये 3-4 महीने में करेगी तब इसको खिलाने में बड़ा मज़ा आएगा। अभी तो वो सो रही है थोड़ा बहुत, हाँ हूँ, मतलब सोते सोते जैसे बच्चा डरता है वैसे कर लेती है। तो बच्चे को देखा थोड़ी देर, नहीं बहुत घंटे हम रुके, फिर हम उन निकल गए थे शाम को लगभग 4 बजे के करीब, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता लगा लो लगभग हमारे घर का शानू के घर से। तो फिर मैंने कहा टाइम से निकल जाते हैं क्योंकि बीच में जंगल पड़ता है, तो फिर टाइम से निकलते हैं। निकले, फिर निकलने के बाद चाय का वो हो रहा था कि चलो चाय, विपिन को हो रहा था कि चलो, उनके एक तो कंधे में दर्द हो रहा था पिछले कई दिनों से लगातार ड्राइविंग करना घंटों घंटों तक, तो कह रहे मैं रुकता हूँ यार थोड़ा। तो मैंने कहा चलो ठीक है चाय पीते हैं फिर। और यहाँ पे मैं घर पे फ़ोन कर रही थी तो मिल नहीं रहा था, इस फ़ोन से बहुत देर में मिलता है। तो घर पे बात करी, तन मैं मिला रहा था बार बार फ़ोन, तो उस टाइम मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि कहीं जाओ बार बार फ़ोन पे बात करना अच्छा नहीं लगता, कहेंगे पहले फ़ोन पे बात कर लो, पहले हमसे क्या बात करोगे। तो मैंने कहा चलो अब मिलाती हूँ, अब बात करती हूँ। तो चाय थी और सैंडविच थे, सैंडविच मंगाए क्योंकि विपिन कह रहे थे मंगा लो। और फिर हम लोग, मतलब मैं और ये, इस टाइम मन तो इतना था नहीं, लेकिन मैंने कहा चल खुशी का मन होगा मंगा लेते हैं। और इतना अच्छा भी नहीं लगा, जो हम लोग घर पे पनीर वाले सैंडविच बनाते हैं वो बहुत टेस्टी थे, इसमें तो मेयोनीज़ थी। फिर हम निकले तो ये थोड़ा सा इधर आग वो लगा ही देते हैं जैसे घास वगैरह वो करने के लिए। तो अभी हम चल पड़े हैं घर की तरफ, अभी हमें काफ़ी टाइम लगेगा, खूब अंधेरा हो जाएगा, 7-7:30 बज जाएंगे, मतलब कल जिस टाइम आए थे घर आज भी उसी टाइम घर पहुंचेंगे। तो घर पहुंचते हैं तो हम लोग घर आ गए थे, घर हम लगभग कल वाली टाइमिंग पे ही आए, कल भी हम 7:30 बजे तक आए थे और आज भी 7:30 बजने वाले हो गए 7:15। तो हम लोग घर आए और अभी तो टाइम जो है 8:30 का हो रहा है, नहीं होने वाले हैं, हो नहीं रहा अभी तो 8:15 हो रहा है। और किचन में मम्मी बना रही है पराठे, उन्होंने दिन में मेथी का आटा लगाया था, बता रही थी कि गुड्डू ने तो खाया ही नहीं, कि तन्मय परे ले गया था तन्मय को परे कि गुड्डू ने नहीं खाया, मतलब खाना वो खाती भी नहीं है आके स्कूल से, मैंने जैसे पहले बताया। मम्मी कह रही फिर मैंने भी नहीं खाया था कि किसी ने नहीं खाया, तो कह रही क्या नाम है, मेरा मन नहीं हो रहा था, तो कह रही आटा ऐसे ही लगा रखा है, तो कह रही अभी मेथी के, मैंने कहा मेथी के पराठे हम लोग तो खाते हैं रात में, फिर आलू मटर की सब्जी, मेथी और मेथी के पराठे। और फिर मैं कहा चलो चाय पीते हैं, हाँ मुझे बड़ी थकान हो रही है आज ना, मैं सोती गई हूँ, सोती मतलब सोना ऐसा नहीं कि बस सो ही रहे हैं, बहुत अच्छे वाला सोना नहीं, ऐसे नींद, गाड़ी में नींद आती है फिर ऐसे खुल जाती है, ब्रेक लगे फिर खुल गई, हॉर्न की आवाज़ आ रही है फिर खुल गई, लेकिन आए जा रही है ऐसे हो रहा है। और कमर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, 2-3 दिन से ना मैं गोली खा रही थी दर्द की, जिसकी वजह से सर का दर्द बंद हो रहा था, बाकी भी पैरों वैरों में दर्द फील नहीं हो रहा था, लेकिन आज हो रहा है। तो अभी सोएंगे और ये वीडियो जो है सुबह से स्टार्ट है, हम शानू के घर गए थे, मैंने सोचा चलो अभी चलते हैं और अभी हो जाएगा, फिर बाद में कई बार ऐसे होता है ना कि चलो बाद में जाएंगे बाद ही हो जाता है। तो अभी हम चले गए, मिलाए, अच्छा लगा मिलके, आपको भी थोड़ा सा दिखाया क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग वहाँ नहीं कर सकती थी, थोड़ा सा मेरे को भी अजीब लगता है, मेरे को लगता है पता नहीं सामने वाला बंदा कंफर्टेबल होगा नहीं होगा। और मैं ये चीज़ मैं करती हूँ, जैसे बहुत बार भी कमेंट आ जाता है ना आप नहीं दिखाया, आप वहाँ गए, मेरे को नहीं पता ना सामने वाला, आप शानू का तो मेरे को पूरा पता है, मैं उसको ले लूँ व्लॉग में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली का मुझे थोड़ा सा नहीं पता है। वैसे मुझे किसी ने मना नहीं किया सामने से, कभी भी नहीं, किसी ने भी नहीं बोला, लेकिन थोड़ा सा मुझे ही रहता है कि नहीं यार थोड़ा सा, तो एक आधा क्लिप बना वहाँ का, ज़्यादा नहीं हमने बनाया। और खाना वाना खाया था वहाँ, खाना बना रखा था, बल्कि मैं खुशी को कह रही थी, खुशी के चाचा और चाची भी आ रखे थे, बड़े चाचा, छोटे चाचा और फूफा जी, तो क्या नाम है, वो लोग भी थे। और मैं तो खुशी को बोल रही थी फ़ोन पे, मुझे तब तक पता नहीं था, मैंने कहा फ़ोन कर दे शानू को, खाने वाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि घर में ना जब जापा चल रहा होता है ना बहुत काम होता है बहुत, फिर ऊपर से क्या है ना कि शानू की डिलीवरी हुई है अभी मंडे में, उसको बेबी गर्ल हुई है जैसे कि हम गए अभी देखने, और उसकी जिठानी का भी जो है फुल टाइम चल रहा है, उनको भी परसों पहले दिन में, मतलब अब ये लगा लो उनको भी किसी भी टाइम कुछ भी गुड न्यूज़ आ सकती है।
तो मेरे को ये था कि यार एक प्रेग्नेंट फुल टाइम वाली वो है, शानू जच्चा है, अकेली सास है, तो खैर उनकी फैमिली में से आए हुए थे और तो थोड़ा सा मैंने कहा मना, पर देखा तो वो वहाँ जो है उन्होंने बनाया बनाया हुआ था, उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी। और अभी जो है खाना खाते हैं, एक आधा पराठा खाऊंगी, वो भी मेथी का पराठा है तो इसलिए, वरना तो नहीं। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है पराठे, चाय वाय बन चुकी है और अभी जो है खाना खाएंगे सभी रात का, और फिर जो है बैठ के थोड़ी देर बातें शातें करेंगे, फिर सोएंगे क्योंकि थकान भी हो रही है, फिर वापस अपने पुराने रूटीन पे जाना है, कल से काम करना है। और शानू के यहाँ भी हुआ है और दिल्ली का भी हमारा काम हो गया, हमें दो जगह और जाना था, रोहतक और जयपुर, वहाँ नहीं गए क्योंकि विपिन बोल रहे थे बच्चों को लेके जाएंगे। तो चलो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, छोटा ही रखते हैं आज, कल काफ़ी बड़ा हो गया था। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं, गुड नाइट।